कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय उद्यापन एवं पीपल पूजन का वृत्तांत सुनने के पश्चात शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया बताइए कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है। तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरो, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरो, इस संबंध में मैं अत्यंत पुनीत एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसका श्रवण करो। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वेश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे उसके पापमय कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और एक मास तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी कि इसे खौलते हुए तेल में डाल दो। तत्पश्चात मुग्धरों से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खौलते हुए तेल में डाल दिया। मगर यह देखकर यमदूत चकित हो उठे कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया गया तो सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुंचे। यथोचित आदर मानकर जब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वे बोले, हे धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरो, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। इस कार्तिक मास के व्रत का ही यह प्रभाव है कि इससे गीले तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म्य समाप्त। जय श्री कृष्ण।